हर्षद कोरोना वायरस मेहता बिग वायरस अ मैन ऑफ वायरस वायरस का बच्चन है बच्चन इज ही कोरोना पॉजिटिव नो ही इज कोरोना वायरस COVID-19 इतना खतरनाक वायरस है जो पूरे देश की तलक मिटा सकता है मतलब सबको पॉजिटिव कर सकता है और मैं उस वायरस का राजा बनना चाहता हूँ। इसमें तो बहुत रिस्क है। रिस्क है तभी इश्क है। देख मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसे नहीं बनती, उसके लिए लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। तो मैं 100 ऐसे पेशेंट चाहता हूँ जो भीड़ में जाने से कभी भी कतराएंगे, कभी 1000 कोरोना पेशेंट हो पाएंगे। यूपी में कोरोना वायरस का अपडेट आता है ना हर रोज़, उसी के साथ मेरे नाम का ढक्कन भी बजता है। ये यूपी है यूपी, यहाँ सब बदल जाएगा मगर वायरस वही रहेगा। तो भाई मैं यूपी का वायरस हूँ जिसके दम है हुआ के रुको। इंडिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर क्या चीज होती है? हीरो, गॉड। गलत। वैक्सीन मेकर और डॉक्टर, क्योंकि आज का वैक्सीन मेकर कल का डॉक्टर बन सकता है और आज का डॉक्टर कल का भगवान। अगर बच्चों को लगता है ना कि हर्षद वायरस उनका स्कूल बंद करवा सकता है या फिर आदमियों को लगता है कि यहाँ लॉकडाउन हो सकता है, उसमें गलत क्या है? मैं वायरस फैलाऊंगा, इसलिए न्यूज़ टीवी, जितने भी टीवी हैं, इंडियन रिपब्लिक, भारत नेशन, जितने भी हैं, सब पे मेरी न्यूज़ चलनी चाहिए और जिसमें मेरा प्रॉफिट हो, फिर उसके साथ हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। कोरोना वायरस पर जितना चलेगा उतना प्रॉफिट कमाएंगे। हेलो, दिस इज इंडियाज बिगेस्ट वायरस, 5000 करोड़ सफरिंग। लोगों को पता चलना चाहिए कि कोरोना वायरस भी किसी बड़ी बीमारी या वायरस से कम नहीं है। देख भाई, जब तुझे 2020 में कोरोना हुआ था तब डॉक्टर ने कहा था तेरे कोरोना के ऊपर वैक्सीन भारी है। जब खुद के कोविड 4th स्टेज पे हो ना तो डॉक्टर या कोई भी पास नहीं आता है। सच बात है। हाँ, ये मेरी एस्ट्रोलॉजी है। ओल्ड बायो की बुक हो या न्यू बायो की बुक, हर बुक में एक टॉपिक कॉमन रहता है, वायरस, और वो मेरा फेवरेट है। आपको पता है मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? कि मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हूँ, फिर भी मैं कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा हद तक फैला सकता हूँ। आपको पता है मैं मास्क कभी नहीं लगाता हूँ, पर मास्क जेब में हमेशा रखता हूँ, क्योंकि कभी भी पुलिस दिख जाए ना तो लाठी पड़ जाती है।